Allô तो हम लोग लास्ट क्लास फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस का जो था पोर्शन वो कवर कर चुके हैं आज से हम लोग प्रोग्रामिंग का जो रियल चैप्टर है मतलब जिस टॉपिक जिस चैप्टर से आप हर टॉपिक को सीखेंगे और उसके साथ साथ उसका प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे उसका भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कोड्स कैसे लिखना है कोड्स को एक्सप्लेन भी करेंगे उसके फॉर्मेट के साथ उसके सिंटेक्स के साथ फिर कल हम उसका प्रैक्टिकल रन करके भी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे तो ये जो प्रोग्रामिंग का चैप्टर जहाँ से आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग ठीक है तो ये जो चैप्टर है डिसीज़न मेकिंग एंड ब्रांचिंग नाम से क्या लगता है ये प्रोग्रामिंग का वो चैप्टर है जिसमें आप ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे डिसीज़न मेकिंग किया जाता है मतलब कि कैसे आप निर्णय लेते हैं कैसे आप कंडीशन चेक करते हैं कैसे आपको डिसीज़न बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है डिसीज़न मेकिंग और ब्रांचिंग का मतलब ये हुआ कि बेस्ड अपॉन दैट डिसीजन आपने क्या क्या शाखा का निर्माण किया क्या क्या ब्रांच को क्रिएट किया उस प्रक्रिया को बनाने का जो प्रोसेस है उसी को ब्रांचिंग बुलाते हैं तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया कंडीशन चेक करना अब ब्रांचिंग का मतलब हो गया उस कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग शाखाओं का निर्माण करना इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग ये तो चैप्टर का नाम है पर इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा है सिलेक्शन स्टेटमेंट तो गौर से देखिए सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में वो स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं जिस स्टेटमेंट की बदौलत ये काम संभव हो पाता है यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसके मदद से आप कंडीशन को बनाने के बाद डिसीजन को बनाने के बाद शाखा का निर्माण करते हैं लेकिन उन शाखाओं में से आप किसी एक ही ब्रांच या शाखा का चुनाव करते हैं उसी टॉपिक का नाम लिखा है सिलेक्शन स्टेटमेंट ठीक है तो सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे क्या बोलेंगे हम लोग देखिए यहां पे दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांच और ऑप्शन फ्रॉम द गिवेन ब्रांचेस और ऑप्शन्स मतलब ये हुआ सेलेक्शन स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में वो स्टेटमेंट है जो आपको दिए गए ब्रांचेज या आपको दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ब्रांच का या ऑप्शन का चुनाव करता है ठीक है तो जो स्टेटमेंट आपको दिए गए बहुत सारे ब्रांचेज या ऑप्शंस में से सिर्फ एक ब्रांच का ही चुनाव कर पा रहा है उस स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या नाम देते हैं सेलेक्शन स्टेटमेंट नाम देते हैं तो ये जो चैप्टर है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग आप समझ गए इसमें क्या सीखने वाले हैं इसमें आप डिसीजन बनाना सीखेंगे और डिसीजन के हिसाब से ब्रांच बनाना सीखेंगे और जो स्टेटमेंट कंडीशन बना के उनमें से एक ब्रांच को चूज करेगा उस स्टेटमेंट का नाम क्या लिखा है सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों को कुछ सेलेक्ट करना है हम लोगों को चुनाव करना है क्या सेलेक्ट या क्या चुनाव करना है एक पर्टिकुलर ब्रांच या ऑप्शन या विकल्प मतलब आप एक ही ब्रांच या एक ही ऑप्शन या एक ही विकल्प चुन सकते हैं दिए गए बहुत सारे ब्रांचेस या विकल्पों में से या ऑप्शन में से ठीक है तो उस स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग में वी विल कॉल एज सिलेक्शन स्टेटमेंट ओके अब ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है आखिर ये सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ में कैसे लाते हैं प्रोग्रामिंग में उसके लिए उसका सारा पार्ट देखिए यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट में कौन कौन सा पार्ट्स है तो देखिए ये जो आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज सीखना है सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहला टॉपिक जो आपको सीखना है उस टॉपिक का नाम है इफ स्टेटमेंट बहुत इजी टॉपिक है ये सब आस, आसानी से सीख जाएंगे आप तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप है इफ स्टेटमेंट ओके अब ये जो इफ स्टेटमेंट है इस टॉपिक को जब हम अभी डील करना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसके अंदर चार टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको जिसमें पहला टॉपिक जो आप इसमें पढ़िएगा उसका नाम है मतलब इफ स्टेटमेंट में चार हिस्से पहला हिस्सा है सिंपल इफ स्टेटमेंट सेकेंड हिस्सा का नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट थर्ड हिस्सा का नाम है लैडर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट और चौथे और लास्ट इसी का नाम है नेस्टेड इफेल्स स्टेटमेंट समझ में आ रहा बात मतलब ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये प्रोग्रामिंग में उस स्टेटमेंट को बोलेंगे जो दिए गए बहुत सारे ब्रांचेस में से सिर्फ एक ब्रांच का चुनाव करेगा उसी को बोलेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो पहला टाइप है उसका नाम है इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट के अंदर कितने हिस्से आपको पढ़ने हैं चार तरह के ठीक है पहला हिस्सा है सिंपल इफ दूसरा हिस्सा है एल्स तीसरा हिस्सा है लैडर ऑफ एल्सिफ और चौथा हिस्सा है तो कैसे ये सारा टॉपिक्स वर्क करता है इन टॉपिक्स का क्या मतलब होता है वो अभी हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं आज से सेकेंड टॉपिक जो सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आता है उस टॉपिक का नाम है स्विच केस स्टेटमेंट ठीक है तो ये जो सेकेंड टॉपिक है इसका नाम है स्विच केस स्टेटमेंट ये क्या है इसमें हम लोग अगले क्लास तक पहुंच पाएंगे आज यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन सीखेंगे ये भी बहुत इजी चीज है और सुनो सिलेक्शन स्टेटमेंट का थर्ड कैटेगरी जो है उस थर्ड कैटेगरी का नाम देखिए क्या लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट उस थर्ड कैटेगरी का नाम है तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है दरअसल में कंडीशनल ऑपरेटर को बना के यूज किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके यूज में लाया जाता है और खुशी की यह बात है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में ये जो यूज है ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट के लास्ट क्लास जब भी पढ़ाए थे दो क्लास पहले आपको हम बताए थे ना कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके दो नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके तीन में से लार्जेस्ट फाइंड करो इसको हम लोग प्रोग्राम के साथ देख चुके हैं ठीक है थीके? उसमें आप ऐसे नहीं लिखते थे सपोज uh, करो ये वाला चीज़ लार्ज इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलोन बी ये तो आप पढ़े हैं देखिए ये कंडीशनल ऑपरेटर था कंडीशनल ऑपरेटर क्या किया था एक ऐसा वाक्य बनाया था जिस वाक्य में आपने सही और गलत का फैसला लिया था कैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होता था तो याद है या आप बीच में जाते थे और कंडीशन फॉल्स होता था तो याद है या आप पीछे जाते थे या पढ़ चुके हैं यानी कि इस स्टेटमेंट में या तो आपने ए का चुनाव किया था या तो बी का चुनाव किया था तो सिलेक्शन का काम तो आप करना जानते हैं पहले से इस टॉपिक में आप सीख चुके हैं तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो थर्ड कैटेगरी है ये हम लोग जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे कंडीशनल ऑपरेटर तब ही सीख चुके हैं ये चीज ठीक है लेकिन होता इसके स्टेटमेंट को भी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को भी सिलेक्शन स्टेटमेंट का ही दर्जा देते हैं पर ये काम सीखा हुआ है तो इसको दोबारा नहीं पढ़ना है चैप्टर में लेकिन हम लोगों को पढ़ना है ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक पर सिलेक्शन स्टेटमेंट कोई पूछे तो बताना तीनों चीज को है ठीक है ये सीखा हुआ है और ये सीखना बाकी है तो सुनो सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में वो स्टेटमेंट होता है जो आपको दिए गए ब्रांचेस या ऑप्शंस या विकल्पों में से एक ब्रांच या एक विकल्प को चूज करने में मदद करता है और सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें पहला पार्ट है इफ स्टेटमेंट दूसरा पार्ट है स्विच केस स्टेटमेंट और तीसरा पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट जो कंडीशनल ऑपरेटर से क्रिएट किया गया है और इफ स्टेटमेंट में चार हिस्से होते हैं सिंपल इफ इफ एल्स लैडर ऑफ एल्स इफ और चौथा है नेस्टेड इफ एल्स तो आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे उसमें फ्लोचार्ट सिंटैक्स प्रोग्राम लेते हुए हम लोग चलेंगे हर टॉपिक का एक एक करके ठीक है तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये फर्स्ट वाला टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है कौन सा नाम है उसका इफ स्टेटमेंट ठीक है अब बहुत इजी है हम बार बार कह रहे हैं तुरंत समझ जाएंगे आप सुनिए अगर आपसे कोई पूछता है प्लीज डिफाइन इफ स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट क्या है बताओ सिर्फ इफ स्टेटमेंट कोई पूछे क्या है बताओ तो आप क्या बोलेंगे इसके आंसर में इट इज द इट इज द टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इसका मतलब ये हुआ कि इफ स्टेटमेंट जो है ये दरअसल में क्या है तो इफ स्टेटमेंट दरअसल में टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट है यानी आपका जो इफ स्टेटमेंट है ये सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक कैटेगरी है एक टाइप है तो क्या करेगा ये स्टेटमेंट इट इज द टाइप ऑफ सेलेक्शन स्टेटमेंट विच इज यूज विच इज यूज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांच विच इज यूज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांच और ऑप्शन फ्रॉम द गि ब्रांचेज और ऑप्शन तो आपने जो सुना अभी डेफिनेशन ऊपर में वही चीज हम फिर से लिख रहे हैं

तो अब हम लोग इफ का ये जो चार टॉपिक है सेगमेंट में नंबर ए नंबर बी नंबर सी नंबर डी वहां से अब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं तो देखिए नंबर ए टॉपिक जो है जहां से आज हम लोग पढ़ाई करेंगे उस टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा है इफ में उस टॉपिक का नाम है सिंपल इफ स्टेटमेंट तो हम लोग यहाँ फर्स्ट टॉपिक से अभी शुरू करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट तो सुनो अगर आपसे कोई प्रोग्राम में पूछता है कि ये सिंपल इफ स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं वॉट डू यू मीन बाय सिंपल इफ स्टेटमेंट तो आपको पता है जब भी आप इफ का यूज करते हैं आप जब भी इफ का यूज करते हैं तो अक्सर आप देखे होंगे कि इफ के साथ पेयर में जोड़ा में एल्स भी लिखा हुआ नजर आता है मतलब इफ में सही का बात करते हैं तो रॉन्ग का बात करने के लिए आप अक्सर जोड़ा में एल्स को लगा के सटा के रखते हैं ठीक है, बट कभी कभी प्रोग्रामिंग में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपका कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको वहां निर्णय लेना पड़ सकता है मतलब कंडीशन ट्रू है तभी आपको डिसीजन लेंगे और कंडीशन रॉन्ग है तो आपको कभी कभी वहां पे चुप रहना पड़ता है बोलना नहीं पड़ता है वैसे परिस्थिति में आप इस्तेमाल कीजिएगा सिंपल इफ स्टेटमेंट को यानी सिंपल इफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन के ट्रू होने से सिर्फ मतलब है कंडीशन फॉल्स होगा तो आपको बिल्कुल शांत रहना है तो उस केस में आप सिंपल इफ का यूज करेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा इसका डेफिनेशन क्या होगा देखिए इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द ट्रू पार्ट मतलब ये हुआ कि जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है इसमें क्या कंसिस्ट करता है सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या रखता है तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली द ट्रू पार्ट एंड द फ़ॉल्स पार्ट एंड द फॉल्स पार्ट इज मिसिंग मतलब ये हुआ कि सिंपल इफ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या कॉन्टेन करेगा जो क्या कॉन्सिस्ट करेगा सिर्फ ट्रू पार्ट को कॉन्सिस्ट करेगा और इसमें कौन सा पार्ट मौजूद नहीं रहेगा इसमें फॉल्स पार्ट मौजूद नहीं रहेगा वो मिसिंग रहेगा उस स्टेटमेंट को प्रोग्राम में सिंपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं यानी कंडीशन ट्रू है देन गो फॉर इट कंडीशन फॉल्स है तो शांत हो जाइए उसको सिंपल इफ स्टेटमेंट बोलते हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज करने का सिंटेक्स क्या है आपको हम बता चुके हैं पहले के क्लासेस में प्रोग्रामिंग में जब आप कोई टॉपिक को लिखने का रूल सीखना चाहते हैं उसका ग्रामर सीखना चाहते हैं उसको लिखने का फॉर्मेट सीखना चाहते हैं तो उसी को लिखने का फॉर्मेट रूल या तरीका को हम लोग क्या नाम देते हैं सिंटैक्स नाम देते हैं तो आज बारी है सिंटैक्स सीखने का ग्रामर सीखने का रूल सीखने का तो किसका ग्रामर या रूल सीखने का तो सिंपल इफ स्टेटमेंट को रूल सीखने का आज आप तरीका सीखेंगे तो ये देखो सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कैसे किया जाता है आपको लिखना होगा इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे आपको लिखना होगा इफ अब पैर में यहां पर आप क्या लिखेगा तो इफ के साथ आपको क्या लिखना होता है टेस्ट कंडीशन लिखना होता है इफ के साथ अगर ये ट्रू होगा तो आप इस वाले हिस्से में आएंगे और इस हिस्से का नाम अभी हम क्या दे रहे समझने के लिए ब्लॉक नंबर वन सुनो इफ का काम है कंडीशन को टेस्ट करना अगर कंडीशन टेस्ट किया गया वो ट्रू हुआ तो पकड़ के आपको इफ के बॉडी में भेजेगा मतलब इस सेक्शन में भेजेगा और इस सेक्शन में हो सकता है कभी कि कभी एक ही लाइन लिखा गया हो हो सकता है कभी यहां पे पचास लाइन लिखा गया हो इट्स नॉट सर्टेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन किसी केस में एक लाइन भी हो सकता है किसी केस में ज्यादा लाइन भी हो सकता है तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि कितना लाइंस आने वाला है तो लेट इट बी ब्लॉक उसको ब्लॉक मान लो और एक ब्लॉक में हो सकता है एक वाक्य हो या ज्यादा भी वाक्य हो तो हम लोग उसको अपने मन से ब्लॉक नंबर वन दे दिए बातचीत करने के लिए तो सुनो इफ ने कंडीशन को चेक किया कंडीशन अगर ट्रू है तो वी विल मूव टू ब्लॉक वन अब ब्लॉक वन से जब निकल के बाहर आओगे तो एक कॉमन एरिया में आप पहुंच तो जाएंगे मतलब कंडीशन चेक करने के बाद ट्रू होने के बाद ब्लॉक वन में जाएंगे जब ब्लॉक वन से निकल के बाहर निकलेंगे तो आप अपने प्रोग्राम के कॉमन एरिया में पहुंच जाएंगे उसका नाम तो पता नहीं है चलो उसको समझने के लिए बोलचाल में हम लोग इसको स्टेटमेंट एक्स नाम दे दे ऐसे ही स्टेटमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे रहे हैं हम लोग सर अगर ये गलत होगा देन वॉट विल हैपन तो अगर कंडीशन गलत होगा इफ इट इज फॉल्स तो आप कभी भी ब्लॉक वन में मत कूदिएगा आपको डिरेक्टली कहाँ जाना पड़ेगा स्टेटमेंट एक्स पे यानी कि इफ का काम कंडीशन चेक करने का है गलत हुआ तो इसमें मत ताज करना चुपचाप डायरेक्ट कहा कूद जाना स्टेटमेंट टैक्स पे कॉमन एरिया में क्योंकि आपने देखा यहाँ पे एल्स पार्ट हम नहीं लिखे हैं क्योंकि सिंपल इफ में एल्स पार्ट नहीं होता है यानी कंडीशन ट्रू है तो कुछ काम होगा कंडीशन फॉल्स है तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा यहाँ पे तो सर ये स्टेटमेंट टैक्स तो वर्क कर रहा है तो याद रखें स्टेटमेंट टैक्स तो हर हाल में वर्क कर रहा है कंडीशन ट्रू है तो इस पड़ाव को पार करके वो वर्क कर रहा है अब कंडीशन रॉन्ग है तो सीधे सीधे वो वर्क कर रहा है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये आपके प्रोग्राम के किसी कॉमन एरिया में लिखा हुआ है कॉमन एरिया क्या है कोड देखोगे तो पता चलेगा यानी कि जनरल स्टेटमेंट है वो हर हाल में सपोर्ट कर रहा है यानी देखा जाए तो सिंपल इफ बस इतना सा है इसमें कोई एल्स पार्ट नहीं है देखो ट्रू है तो काम करो नहीं है तो फुटो यहाँ से ऐसा हाल है इसका अब देखो इस चीज को अगर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग में जब किसी टॉपिक को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट चार्ट का मतलब तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चार्ट मतलब कोई फिगर या पिक्चर या ड्राइंग ड्रॉइंग फ्लो का मतलब ये होगा कि प्रोग्राम में हमारा कंट्रोल हमारा नियंत्रण हमारा जो एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से मूव ऑन करेगा उसी चीज के डायग्राम को दिखाने का तरीका फ्लो चार्ट कहलाता है यानी कंट्रोल एक लाइन से दूसरे लाइन में कैसे मूव करेगा ये उसको दिशा दिखाएंगे जब आप उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं तो देखिए इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा आप सबसे पहले ऊपर से नीचे आ रहे हैं देखिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ऊपर से नीचे आने के बाद अब आप यहां पे क्या करेंगे एक रॉम्बा शेप का बॉक्स बना देंगे और इस बॉक्स में जाकर आपको लिखना होगा टेस्ट कंडीशन यानी जो कंडीशन है आपका वो यहां पे आप जिक्र करेंगे सुनिए फ्लो चार्ट जब ड्रॉ होता है तो उसमें ये जो एरोज होता है इससे हम लोग डायरेक्शन शो ऑफ करते हैं और ये जो रोम्बस शेप का जो बॉक्स आपको दिख रहा है पता इस बॉक्स को प्रोग्रामिंग में मतलब फ्लो चार्ट में क्या नाम देते हैं इस बॉक्स को नाम देते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स ये बॉक्स का नाम है डिसीजन मेकिंग बॉक्स आई होप आप समझ लो नाम ऐसा क्यों है डिसीजन मेकिंग बॉक्स का काम है डिसीजन लेना निर्णय लेना और सही गलत के हिसाब से रास्ता डिसाइड करना सुनिए अगर आपका ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो आपको ले जाएगा दूसरे रास्ते में सपोज करो मेरा कंडीशन ट्रू है मान लेते हैं ना कोई कंडीशन दिया गया है कंडीशन डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है अगर ये ट्रू है तो हमारा रास्ता इधर डाइवर्ट हो गया ओके याद कीजिए ट्रू होने पर आप कहाँ पे जाया करते थे ट्रू होने पर आप कहाँ जाते थे ब्लॉक वन में तो हम उसको यहाँ पे एक प्रोसेसिंग बॉक्स बना रहे हैं सुनिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बॉक्स जो है ना इसको प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं यहाँ पे कुछ प्रक्रिया चलता है तो जो भी प्रक्रिया होगा कोड के हिसाब से वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है जो हम ब्लॉक वन में किए हैं उसके बाद सुनिए ब्लॉक वन से निकल के जब आप आते हैं तो किधर कूद जाते हैं स्टेटमेंट टैक्स के पास सपोज कीजिए आपका स्टेटमेंट टैक्स यहाँ हम लिख रखे हैं जो मेरा कॉमन एरिया है प्रोग्राम का तो कंट्रोल यहाँ पे भेज देगा और आगे बढ़ाते जाएगा अच्छा सर अगर मेरा कंडीशन गलत होगा देन वॉट विल हैपन आपको याद है गलत होने पे सीधे स्टेटमेंट एक्स पे जाते थे तो ये देखिए अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे हम लोग सीधे जाएंगे स्टेटमेंट एक्स के पास इस रास्ते से होते हुए अब जैसे रोड में आप देखते हैं एक रोड एक तरफ से आता है एक रोड एक तरफ से आता है तो चौक चौराहा होता है ज्वाइन करने के लिए दो रोड्स को और एक कॉमन रोड आगे जा रहा है सिमिलरली फ्लो चार्ट में यहाँ पे कनेक्टर यूज किया जा सकता है तो ये जो कनेक्टर है ये रास्तों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और एक कॉमन रास्ता आगे भेज रहा है तो आई होप आप समझे इसका नाम फ्लोचार्ट क्यों है क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि कब किस दिशा में आपको मूव ऑन करना है प्रोग्राम की प्रक्रिया को चलाते हुए ओके तो सबसे पहले आप यहां कंडीशन को चेक करेंगे आप सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे कंडीशन चेक करने में दो केसेस होंगे या तो कंडीशन सही होगा या तो कंडीशन गलत होगा अगर कंडीशन सही होगा तो इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे ब्लॉक वन का पड़ाव पार करेंगे और स्टेटमेंट टैक्स में कूद जाएंगे और अगर ये गलत होगा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट टैक्स में कूद जाएंगे यहाँ पे कोई बोनस काम नहीं करेंगे और ट्रू हुआ था तो बोनस काम एक्स्ट्रा काम आपने किया था तो सिंपल इफ में होता ही ये चीज है ट्रू है तो काम करो फॉल्स है तो चुप हो जाओ उसको सिंपल इफ कहते हैं लेकिन सर सर हमको रॉन्ग में भी तो कोई निर्णय लेना पड़ सकता है तो अगर आपका कंडीशन रॉन्ग है और अगर आपको वहां निर्णय लेने की जरूरत है तो वहां पे आप सिंपल इफ नहीं यूज करेंगे वहां पे आप इफ एल्स यूज करेंगे जो टाइप नंबर बी में हम आपको पढ़ाएंगे तो टाइप नंबर बी में जब हम लोग मूव करेंगे तो आपको इफ एल्स के बारे में बताया जाएगा उसमें ट्रू में भी एक्शन लेते हैं और फॉल्स में भी कुछ दूसरा एक्शन लेते हैं

तो उसके लिए क्वेश्चन हम चूज करने जा रहे हैं सी माई क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम शॉर्ट में वैप टू चेक वैप टू चेक इफ अ पर्सन कैन वोट और नॉट नहीं बोल रहे हम और नॉट नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन में बस क्वेश्चन ये है आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्या चेक करेगा कि क्या कोई पर्सन वोट देगा मतलब कि अगर उस पर्सन का उम्र या एज एटीन एंड अबव है तो आंसर आएगा यस ही कैन वोट और अगर वो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए तो नॉर्मल केस में आप बोलते हैं ना ही कैन नॉट वोट नॉर्मल केस में बोलते हैं ना आप लेकिन क्योंकि टॉपिक डिस्कशन हो रहा है सिंपल इफ सिंपल इफ में अगर उसका एज एटीन एंड अबव होगा तो जवाब आएगा पर्सन कैन वोट और अगर उसका एज 18 से कम होगा बिलो होगा तो आपको चुप रहना है जवाब ही नहीं देना है कि ही नॉट वोट क्योंकि आप टॉपिक ही पढ़ रहे हैं सिंपलिफ तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कब आपको ना होने पे मुंह खोलना है और कब ना होने पे शांत रहना है यह आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा तो यह क्वेश्चन कहता है चेक करिए क्या कोई पर्सन वोट देगा बस की नहीं, नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे हैश इंक्लूड करेंगे हेडर हेडर फाइल फाइल वी हैव टू इंक्लूड डॉट एच ठीक है अगर आपको कोनियो डॉट एच लेने की जरूरत है देन वॉट यूल राइट ये हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं स्टार्टिंग क्लास में आज लिख देते हैं सही हैश इंक्लूड क्या लिखोगे कोनिया डॉट एच ठीक है प्रोग्राम का जिंदगी किधर से शुरू होगा वर्ड मेन फंक्शन से इन दिस वे ओके ठीक है अब देखो ध्यान से क्योंकि चेक करना है वोट देगा कि नहीं तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है इंट एज स्क्रीन पे जो भी कचड़ा वचड़ा फैला होगा पहले का उसको इरेज करना है तो उसके लिए क्या यूज करोगे सीएलआर एल एस सी आर यूजर से पूछना है कि उसका एज क्या है तो सी आउट से ही ना पूछते हैं सी आउट से ही ना प्रिंट करते हैं तो इट विल आस्क फॉर द एज मैसेज क्या आ जाएगा एंटर दी एज इन दिस वे पढ़ोगे कहा से कीबोर्ड से हेल्प को किसने किया सीन ने तो सीन पढ़ के किसने स्टोर किया एज में सिर्फ चेक कर लो वेरी इजी कैसे चेक करोगे बताओ क्या लिखोगे चेक करने के लिए इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटीन दिस इज माई कंडीशन इफ इट इज ट्रू तो सी आउट आके आपसे क्या कह देगा यहाँ पे कैन वोट और अगर ये रॉन्ग है अगर ये रॉन्ग है तो ये वर्क थोड़ी करेगा और एल्स लगाना नहीं है क्योंकि तो आप तो सिंपल इफ पढ़ रहे हैं तो अगर ये रॉन्ग है तो सीधे बाहर आएंगे आपको याद है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम आपको बता चुके हैं प्रैक्टिकल के टाइम एक फंक्शन यूज होता है गेट सी एच वो लगा दीजिए दीजिए मेन इज इज ओवर ओवर लाइफ ओवर कर बस सिंपल सा इतना बच्चा टाइप का इजी सा प्रोग्राम है अब हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं एक्सप्लेन गौर से देखिए अब क्वेश्चन समझ गए चेक करना है कि कोई आदमी वोट देगा क्या बस ये चेक करना है सी आपको पता है मॉनिटर पे कुछ प्रिंट आउट करना है आपको यूज करना होगा सी आउट आपको पता है कीबोर्ड से कोई वैल्यू को रीड करना है तो कौन हेल्प करेगा सी इन तो सी आउट का, का काम है आउटपुट करना सी इन का, का काम है इनपुट करना और अगर इन दोनों को इस्तेमाल कीजिएगा सी आउट और सी इन को तो आपको क्या करना पड़ेगा सी आउट और सी इन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है ना तो आउट था आउटपुट स्ट्रीम सीन था इनपुट स्ट्रीम तो इन दोनों स्ट्रीम्स को यूज करने के लिए सी आउट और को यूज करने के लिए किसका सर्विस चाहिए किसका मार्गदर्शन चाहिए किसका गाइडेंस चाहिए हेडर फाइल का तो सी आउट और के लिए कौन सा हेडर फाइल आपने मंगा लिया आई ओ स्ट्रीम डॉट एच इसीलिए उसको इंक्लूड किया जाता है इनिशियली फाइन अब एक बात याद कीजिए देखिए अगर ये आपका मॉनिटर है मान लेते हैं ये आपका मॉनिटर है और आपके मॉनिटर पे पहले से अगर कोई प्रोग्राम आपने रन करा रखा होगा तो आपके मॉनिटर पे कुछ कुछ आउटपुट पहले का पड़ा हुआ रहता है ये में पता चलता है वैसे। तो पहले कुछ भी पे कचड़ा फैला है, गंदगी फैला है तो बोलते हैं क्लियर करना स्क्रीन को स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हैं सी एल आर एस सी आर फंक्शन रहेंक्शन है ये क्या करेगा आपके स्क्रीन में फैले हुए सारे गंदगी को साफ कर देगा और आपको एकदम नीट एंड क्लीन स्क्रीन प्रोवाइड करेगा सो दैट आप फ्रेश स्क्रीन लेके आगे बढ़ पाए ठीक है तो सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करना है तो इसको भी तो मार्गदर्शन की जरूरत है तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए आप किस फाइल का मार्गदर्शन ले रहे हैं कोनियो डॉट एच तो जो कोनियो डॉट एच है ये फाइल क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करने में मदद करेगा और नीचे में एक फंक्शन आप देख रहे होंगे गेट 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 सी 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 एच 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 इसको भी यूज करने में में वही हेडर फाइल मदद करेगी का का फायदा एडवांटेज लास्ट दिखता है और वो भी प्रैक्टिकल में यहां तो पता नहीं चलेगा क्या होता पता है अगर आप गेट सी एच नहीं लगाते हैं नहीं लगाते हैं गेट सी एच और आप प्रोग्राम को जब रन कीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा स्क्रीन पे आउटपुट भी आ जाएगा लेकिन आपका स्क्रीन यहाँ से डिजापियर हो जाता है गायब हो जाता है तो हम चाहते हैं जब मेरा आउटपुट आ गया तो मेरा स्क्रीन को होल्ड कर लिया जाए मेरी स्क्रीन को पकड़ लिया जाए जब तक हम कोई अक्षर न दबाएं तब तक के लिए तो इसी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जब तक कोई अक्षर प्रेस न करे तब तक वो रिलीज ना हो पाए उसी के लिए क्या यूज करते हैं गेट सी एच फंक्शन यूज करते हैं तो याद रखना गेट सी एच फंक्शन के लिए और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए आपने क्या इंक्लूड किया है और इसका जो मेन एडवांटेज वो प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है कॉपी पे क्लियर स्क्रीन गेट सी एच से आपको कोई फायदा नहीं दिखने वाला ठीक है ना फिर भी समझिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी मेन फंक्शन दैट यू नो वेरी वेल तो जैसे ही प्रोग्राम का प्रक्रिया मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा जैसे ही आप मेन के अंदर एंटर करेंगे तो फर्स्ट लाइन आपने क्या लिखा इंट एज अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया जिंदगी मेन से शुरू हो चुका है आपने फर्स्ट लाइन लिखा इंट एज तो ऐसा लिखने से क्या होगा कंप्यूटर के मेमोरी में एज नाम का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा ये दिखने वाला नहीं है मान लो रिजर्व हो गया टर्मिनेट हो गया लाइन खत्म हो गया क्लियर स्क्रीन ने अगर आउटपुट पहले से कुछ हो रखा होगा उसको बिल्कुल इरेज करके फ्रेश स्क्रीन प्रोवाइड किया सी आउट आया और सी आउट आकर आपसे क्या पूछने लगा मॉनिटर पे सिया उठा के कौन सा मैसेज को प्रिंट किया मॉनिटर पे एंटर द एज इट इज आस्किंग फॉर दी एज तो हम जाके एज का वैल्यू कितना दे दिए हम एज का वैल्यू सपोज करो फोर्टी टू दे दिए अच्छा ये बताओ जब वो पूछा एंटर द एज और हम एज फोर्टी टू दिए तो ये बोल के तो नहीं देंगे ये फोर्टी टू कहाँ से टाइप करेंगे आप ये फोर्टी टू को तो आप की बोर्ड से टाइप करेंगे तो जैसे ही ये 42 आपने कीबोर्ड से टाइप किया तो इसको पढ़ने में मदद कौन करेगा 42 को सी इन मदद करेगा तो देखो सी आउट का, का काम था मैसेज को छापना और सी इन का, का काम था वैल्यू को पढ़ना तो बोलिए ये सी इन किस वैल्यू को पढ़ा ये सी इन 42 को पढ़ा और पढ़ के किसके अंदर स्टोर कर दिया एज के अंदर तो एज का वैल्यू तो फोर्टी टू हो गया ठीक है आउटपुट करना इनपुट करना अब आपको आता है बहुत अच्छे से अब चलिए चेकिंग करते हैं ये बोलिए मेरा कंडीशन क्या है इफ ध्यान से देखो इसके लिए कोई एल्स नहीं है ये सिंपल इफ है इसका कोई एल्स नहीं है तो इफ क्या चेक कर रहा है इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो एज में कितना गिवन है 42 तो क्या 42 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 यस yes, 42 इज ग्रेटर देन 18 तो क्या हुआ ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी तो है मेरा कंडीशन तो ट्रू हो गया तो वी विल मूव इनसाइड द इफ बॉडी तो जब आप इस बॉडी में मूव इन करेंगे अंदर जाएंगे तो पता ये सी आउट ने क्या कह दिया आपसे स्क्रीन पे सी आउट आपके स्क्रीन पे छाप देगा कैन वोट इन दिस वे और जब आप इससे क्विट करके बाहर जाएंगे देखिए जब आप इससे क्विट करके बाहर जाएंगे तो बाहर जाने के बाद क्या दिख रहा है गेट सी एच आपको याद है बताए थे प्रोग्राम में कोई कॉमन एरिया होगा जो इफ के बाद लिखा हुआ होगा आप समझिए यही आपका स्टेटमेंट एक्स है इस स्थिति के लिए मान लीजिए स्टेटमेंट एक्स क्या है इसके बाद का कोई हिस्सा जो हम लोग ऐसे नामकरण किए हैं तो बोलिए कंडीशन ट्रू हो गया ये हिस्सा काम कर गया जब क्विट करके बाहर गए तो गेट सी एच क्या करेगा आपका स्क्रीन प्रैक्टिकली जब वो गायब हो रहा होता है तो गेट सी एच उसको पकड़ के बैठा रहेगा जब आप कोई अक्षर दबा देंगे कीबोर्ड से तब जाके स्क्रीन छूटेगा मेन ओवर होगा अब प्रोग्राम का लाइफ भी ओवर हो जाएगा ठीक है एक केस सेकेंड केस सुनिए सेकेंड केस सुनिए क्या है लाइफ तो मेन से स्टार्ट हुआ इंट एज ने मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट किया एज के नाम से क्लियर स्क्रीन ने पिछली बार का कचरा को साफ करके फ्रेश स्क्रीन दे दिया आउट ने स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले किया आउट ने एक मैसेज डिस्प्ले किया एंटर ठीक है अब आप एज का वैल्यू इस बार सपोज कीजिए सेवन ईयर्स दे रहे सेवन दे रहे तो आपने कीबोर्ड से इस बार क्योंकि सेवन टाइप किया है तो सेवन को कौन पढ़ लेगा सीन पढ़ लेगा और किस में स्टोर कर लेगा एज में तो इस बार सीन सेवन पढ़ के एज में जब इनपुट करेगा तो एज का वैल्यू तो सेवन है अब आप चेक कीजिए क्या 7 क्या इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है अठारह से बड़ा या बराबर है नॉट एट ऑल आपका कंडीशन रॉन्ग हो गया और जब आपका कंडीशन रॉन्ग हो गया तो उठा के आपको कहां फेंका बाहर एल्स तो है नहीं आज तो आपको याद होगा सिंटैक्स में बताए हैं अगर कंडीशन रॉन्ग होगा तो डायरेक्टली कहां फेंकेगा स्टेटमेंट टैक्स पे सो दिस वॉज पर्टिकुलर एग्जाम्पल कॉमन एरिया में तो यही वाक्य है इसके बाद आप देख सकते हैं तो गेट सी एच पता है क्या करेगा स्क्रीन को भागने नहीं देगा रोक के रखेगा और आपका आउटपुट ऐसा आएगा आई I मीन mean, इसमें कोई आउटपुट मैसेज ही नहीं आया लास्ट में आप देख रहे हैं वैल्यू सही था कंडीशन ट्रू था तो कोई जवाब दिया और कंडीशन रॉन्ग है तो चुप है बोल ही नहीं रहा है कुछ शांत पड़ गया है एकदम से क्योंकि इसमें कोई एल्स पार्ट था ही नहीं कहलवाने के लिए कुछ तो सिंपल इफ ऐसा ही होता है सिंपल इफ में ट्रू है तो कुछ काम करो फॉल्स है तो चुप हो जा बोलो ही मत कुछ देखो जवाब ही नहीं आया इसमें तो ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट अब जैसे मन में डाउट होगा सर हमको कहना है ही कैन नॉट वोट तब क्या करेंगे सर अगर आपको कहना है कि ही कैन नॉट वोट तो आप समझ गए होंगे इफ का तो काम हो गया अब इसी में क्या जोड़ दीजिएगा एल्स यहां नीचे क्या जोड़ दीजिएगा एल्स और एल्स के बाउंड्री में क्या लिख दीजिएगा सी आउट में कैन नॉट वोट तो टाइप नंबर बी तो ऐसे ही समझ में आपको आ गया कि एल्स पार्ट लगा के उसमें लिख देंगे He cannot vote. अगर ये ट्रू होगा तो इसमें जाएंगे घुस तो के, एल्स, एल्स के, के हम यहाँ सी आउट में यहाँ पे क्या लिखेंगे ये लिख देंगे और बाउंड्री बंद कर देंगे तो ये पता कौन सा टॉपिक आप अनजाने में पढ़ लिए इजीली पढ़ लिए आप इसको पढ़ लिये इफेल्स वाला टॉपिक जो सेकंड नंबर पे है पर ये भी बहुत इजी है अब सुनो क्या होगा अगर एज का वैल्यू किसी ने 42 दिया तो एज में सीन कितना इनपुट किया 42 तो क्या 42 इज ग्रेटर देन 18 यस yes. तो सी आउट क्या कह देगा कैन वोट तो क्या एल्स पार्ट में तांझाक करेंगे आप नहीं अगर ये ट्रू होता है तो ये हिस्सा काम करता है एल्स में तांझाक नहीं किया करते और अगर ये गलत होगा जैसे इस एग्जांपल में एज में कितना दे रखे हैं आप 7

तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो हमारा इफ एल स्टेटमेंट है तो अब हम लोग टाइप नंबर बी पढ़ेंगे आज इस टाइप का नाम क्या है याद कीजिए इस टाइप का नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है अब आपसे कोई पूछे कि इफेल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बताएं आप इट कॉन्सियस ऑफ बोथ द ट्रू एंड द फॉल्स parts. इसका मीनिंग समझ में आया ये जो इफिल्स स्टेटमेंट है इसमें ट्रू पार्ट भी मौजूद रहेगा और फॉल्स पार्ट भी मौजूद रहेगा यानी इसमें दोनों हिस्सों के लिए आपको बातचीत करना है ठीक है ये तो आप समझ ही गए होंगे देखकर अब सब कुछ सिंटेक्स या फॉर्मेट या रूल कैसा होगा क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे इफ के साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे आप टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ पे जंप करेंगे आप ब्लॉक वन और फॉल्स होगा तब कहाँ पे जंप करेंगे आप ब्लॉक टू कॉमन एरिया का नाम हम फिर से क्या लिखेंगे स्टेटमेंट एक्स और अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो इसका फ्लो चार्ट भी बहुत ही सिंपल ड्रॉ होगा बोलिए सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इस तरफ ट्रू पार्ट इस तरफ फॉल्स पार्ट ट्रू पार्ट में क्या लिखा रहेगा ब्लॉक नंबर वन फॉल्स पार्ट में क्या लिखा रहेगा ब्लॉक नंबर टू अब फिर आप यहाँ पे आएंगे कॉमन एरिया में और उस जगह का नाम क्या होगा स्टेटमेंट नंबर एक्स तो यहाँ पे आपने क्या लिख रखा है टेस्ट कंडीशन टाइम ओवर होने वाला है जैसे टाइम आपको ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है अभी रफली सुनिए कंडीशन चेक होगा ट्रू होगा तो ब्लॉक वन से निकल के यहाँ जाएंगे और कंडीशन फॉल्स होगा तो ब्लॉक टू से निकल के यहाँ पे जाएंगे यानी इस बार दोनों हिस्सों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है ट्रू के लिए इफ पार्ट फॉल्स के लिए एल्स पार्ट और कॉमन एरिया का नाम क्या लिख रखे हैं स्टेटमेंट एक्स ये स्टोरी था किसके बारे में इफिल्स के बारे में गूगल मीट पे तो उसमें याद है कितना प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें अच्छा सुनिए ना दो तीन दिन और कर लीजिए क्लासेस में तो टॉपिक अब कमांड में आ जाएगा क्योंकि हम रेगुलर पढ़ाए हैं ना इधर उसके बाद बैच ऑल्टरनेट भी करेंगे ठीक है अच्छा लैपटॉप फोन का ऑनलाइन Online... 我。Oh. दो मिनट देख लेते फिर स्टार्ट कर देंगे मार्टिन। ऑफलाइन कहाँ चल रहा है ऑफिस भी नहीं खुल रहा हम लोग का तो कोई न्यू स्टूडेंट से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है इस ग्रुप में भी तो सब रिवीजन ही कर रहे हैं सिर्फ एक दो ही नए बच्चे सब रिवीजन करते हैं तो ट्वेल्थ में इलेवेंथ का पूरा पढ़ना होगा ना नहीं तो समझ ही नहीं आएगा आपको तो ये मत सोचिएगा इलेवेंथ का है तो नहीं आएगा बोर्ड में बिल्कुल मत सोचिएगा सब आता है इलेवें अच्छा ट्वेल्थ वाला में भी पहुंचेंगे कुछ दिन में चलिए वो स्टार्ट कर रहे ठीक है देखिए हम आपको बता रहे थे अभी सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है और इसल स्टेटमेंट क्या है तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होगा तभी एक्शन लेंगे फॉल्स होगा तो शांत हो जाएंगे लेकिन ये जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है नाम से ही लगता है कि इसमें इफ का भी काम होगा और एल्स का भी काम होगा मतलब इसमें ट्रू के लिए भी कुछ एक्शन लेंगे false के लिए भी एक्शन लेंगे। Syntax आपने, आपने एल्स तो में, में तांकझाक नहीं करना है कंडीशन रॉन्ग होगा तो एल्स में जाना है इसमें तांकझाक नहीं करना और आना कहाँ पे पड़ेगा स्टेटमेंट टेक्स के पास डायग्राम देखिए फ्लो चार्ट देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए सबसे पहले आकर आप यहाँ कंडीशन चेक कीजिए ट्रू होगा अगर तो ब्लॉक वन का पड़ाव पार करेगा और आप स्टेटमेंट एक्स पे पहुंच जाएंगे अब फॉल्स होगा अगर तो ब्लॉक टू का पड़ाव पार होगा यानी दोनों पड़ाव इस बार अलग अलग है देखिए ये दोनों अलग अलग है ये दोनों अलग अलग है और अंत में कहा पहुंचेंगे आप स्टेटमेंट नंबर एक्स के पास तो ये इस का स्टोरी था इ्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम से आप ऐसे ही समझ लिए थे प्रीवियस केस में ही याद कीजिए यहाँ पे हम बता दिए इ्स कैसे वर्क करता है आप सिंपल इफ पढ़ रहे थे उसी में एस जोड़ दीजिएगा तो का टॉपिक कवर हो जाएगा तो अब हम आपको का एक और प्रोग्राम कराने वाले हैं जिसमें वोट कैन वोट हम नहीं चेक करवाएंगे उसमें यह चेक करेंगे कि मेरा नंबर इवेन नंबर है या ऑड नंबर है उस चीज का चेकिंग करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में अब हम लोग तो देखिए अब हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं ये इफिल्स का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है इस बार राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवेन नंबर इज इवेन और ऑड तो आप सबको मालूम है इवेन नंबर वो नंबर होगा जो आपका टू से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए ऑड नंबर वो नंबर होगा जो टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर यानी कि शेष कितना छोड़ेगा तो वन छोड़ेगा तो वो ऑड नंबर होता है यानी आपका मैटर ये कर है इस प्रोग्राम में कि आप अपने नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह देंगे कि वो इवन है और अगर उसका रिमाइंडर 1 आ गया तो आप कह देंगे कि वो नंबर ऑड है दिस इज द क्वेश्चन तो इसका आंसर कैसे जनरेट होगा उसको देखिए आप सबसे पहले हर बार की तरह आप यहाँ पे हैश इंक्लूड क्या करने वाले हैं एक हेडर फाइल जिसका नाम है iostream.h आपको अच्छी तरह मालूम है iostream.h आप यूज करेंगे सी आउट और सी के लिए ओके नेक्स्ट हेडर फाइल हम यहाँ पे फिर से शामिल कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल के समय आपका हेल्प करेगा उस हेडर फाइल का नाम क्या है कोनीो डॉट एच क्योंकि हमको आउटपुट के दरमियान ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम प्रैक्टिकली क्लियर स्क्रीन करने की ज़रूरत है और आउटपुट विंडो जो छुप जाता है उसको पकड़ के रखने की जरूरत है जब तक आप कोई की ना प्रेस कर दे तो गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए क्या लेंगे आप कॉनियो डॉट एच सी आउट और सीन के लिए क्या लेंगे आप आई डॉट एच एंड एज यू नो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा कहा से स्टार्ट हो रहा है void main से दिस इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस विल बी द एंड ऑफ द प्रोग्राम ठीक है इसी बीच में आपके प्रोग्राम में जो लॉजिक है उसको समेटना है समा देना है तो इस बार का क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि एक नंबर इवन है कि ऑड तो इस बार यूजर से एज तो नहीं ना मांगोगे इस बार यूजर से नंबर मांगोगे तो हम एक काम करते हैं हम इंटीजर टाइप का एक घर बना लिए एन के नाम का एन क्यू बनाए एन फॉर द नंबर बनाए तो मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो गया उस ब्लॉक का क्या नाम है एन ओके okay? अब सुनो हम चाहते हैं मेरा जो monitor है, मेरा जो जो मॉनिटर मॉनिटर है है हम चाहते हैं कि इस मॉनिटर पे जो भी screen, uh, screen जो भी स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया है तो उसके लिए आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप वहां पे क्या यूज करने वाले हैं सी एल आर एस सी आर फंक्शन सो वट वट दिस फंक्शन विल डू दिस फंक्शन विल क्लियर योर स्क्रीन ओके अब आपको यूजर से स्क्रीन साफ हो चुका है इस बार के लिए अब हम लोगों को यूजर से क्या मांगना है एंटर द नंबर यूजर से नंबर मांगिएगा प्लीज तो बताओ सी आउट में जो चीज लिखेंगे वो हु आपके मॉनिटर पे छप जाएगा तो मॉनिटर पे बताओ कौन सा मैसेज छप गया एंटर द नंबर ये मैसेज जाके डिस्प्ले हो गया ठीक है अब देखो इसको पढ़ के आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि आपको तो नंबर देना है तो हम जाके नंबर दे दिए एट हम पहले एट ही दे, दे देते हैं अच्छा ये नंबर हम कहाँ से टाइप किए ये नंबर हम कहाँ से टाइप किए की से टाइप किए की तो कीबोर्ड से इस नंबर को रीड कौन कर लेगा सीन रीड करेगा और सीन उसको रीड करके किसके हवाले कर देगा एन यानी ये सीन एट को पढ़ के किस में इनपुट कर देगा एन के अंदर तो मेरे एन के अंदर कितना आ गया एट आ गया ठीक है देखो तैयारी हो गया नंबर पढ़ के सिर्फ ये चेक करना है मेरा नंबर इवेन नंबर है या ऑड नंबर है सिर्फ ये चेकिंग करना है तो उसके लिए हम लोग अब यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट तो इफ के साथ आपका कंडीशन यहां पे जाएगा तो हम क्या बोले थे कोई नंबर इवेन नंबर कब होगा जब आपका नंबर जब आपका नंबर टू से परफेक्टली डिविजिबल होगा और नंबर टू से परफेक्टली डिविजिबल अगर होगा तो उसका रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचेगा जीरो

If n modulus 2 equals equals 0 अगर ये ट्रू होगा तो इफ़ के बॉडी में आपको भेज दिया जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये सी आउट आपके मॉनिटर पे कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा इवन नंबर और अगर ये रॉन्ग होगा तो आपको कहाँ भेजेगा एल्स में और एल्स के साथ ये आउट आपको क्या कह देगा इस बार ऑड नंबर इस तरीके से अब कॉमन एरिया में आके अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे गेट सी एच अब देखो हुआ क्या कैसे वर्क किया ये आपसे पूछा गया था एंटर द नंबर आपने नंबर आठ दे दिया सीन ने एन को कितना दिया एट दिया जस्ट चेक योर कंडीशन सो व्हाट्स द कंडीशन ओवर हियर एन मॉड्यूल टू व्हाट इज योर एन एन तो यूल टू मतलब एट को टू से डिवाइड कीजिए एन मॉड्यूल टू मतलब आठ को एन में आठ है ना आठ को दो से डिवाइड कीजिए तो so क्या हो जाएगा बताओ टू फोर जा तो आपको रिमाइंडर कितना मिला जीरो बताइए आपको याद होगा हम बता चुके हैं डबल इज इक्वल टू का काम है इक्वल है कि नहीं वो चेक करना ये जो डबल इक्वल टू साइन है उसका काम है चेक करना कि दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं तो इधर से रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो गया जीरो

नहीं करते हैं और आपको जंप करा के कहाँ फेंक देगा गेट सी एच गेट सी एच कॉमन एरिया में लिखा हुआ वाक्य है अभी के सिचुएशन के लिए तो ये फेंकेगा स्क्रीन को होल्ड करेगा आप कोई की प्रेस करेंगे तब ये स्क्रीन छूट जाएगा और इधर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ठीक है सेकेंड केस सुनिए सेकेंड केस ये है दिस इज माई मॉनिटर अगेन बोलो लाइफ मेन से शुरू हुआ इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्या नाम से रिजर्वेशन हुआ था एन क्लियर स्क्रीन में गंदा जो था पहले का साफ करके फ्रेश स्क्रीन प्रोवाइड किया ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल टाइम सी आउट विल डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर मैसेज एंटर नंबर अब इस मैसेज को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आपको नंबर नंबर एंटर करना है तो हम number कितना दे दिए इस बार हम नौ दे देते दे हैं चलिए नौ को कहाँ से दबा दिए की से पढ़ा कौन सी इन स्टोर किस में किया एन में सो दिस एन बिकम्स हाउ मच नाइन ठीक है अब देखिए इस एन मॉड्यूलस टू इक्वल इक्वल जीरो चेक करिए एन को टू से डिवाइड करके अच्छा इस बार के एग्जांपल में एन कितना है नाइन है तो नाइन को कितने से डिवाइड करेंगे टू से टू फोर जो एट तो नाइन माइनस एट कितना वन सो व्हाट इज द रिमाइंडर इन दिस पर्टिकुलर केस वन तो आपका रिमाइंडर वन है तो क्या वन डबल इक्वल टू जीरो सोचिए इस बार का रिमाइंडर जो वन है क्या ये वन का वैल्यू जीरो के बराबर है क्या एग्जैक्टली exactly? तो रॉन्ग हो जाने पर ये इस बार आपको एल्स का रास्ता दिखाएगा आज एल्स के रास्ते में जाओगे तो सी आउट क्या कर देगा सी डिस्प्ले कर देगा इससे आप बाहर करेंगे तो गेट सी एच क्या किया स्क्रीन को होल्ड किया आपको की प्रेस कीजिए स्क्रीन फिर छूटेगा मेन फिर ओवर हो जाएगा ठीक है ना तो यानी कि इस बार आपने देखा कि ट्रू में भी कुछ एक्शन लिया गया और फॉल्स में भी कुछ एक्शन लिया गया अच्छा एक और बात सुनिए देखिए ये जो हम यहाँ पे इफ़ेस जो स्टेटमेंट यूज़ किए हैं इस स्टेटमेंट को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में और कैसे लिख सकते थे अब देखिए आप यहाँ क्या लिख सकते थे आप लिख सकते थे इफ़ एन मॉडुलस टू डबल इक्वल जीरो ये लिखे आपको याद है कंडीशन ट्रू था तो आपको इफ़ के बॉडी में फेंका था और आप एक चीज़ गौर से देखिए इफ़ के बॉडी में सिर्फ एक वाक्य लिखा है If के बॉडी में सिर्फ एक वाक्य लिखा है तो उसके लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे सी आउट में लिख सकते थे डायरेक्ट आपका आंसर नंबर दैट्स इट और जब ये रॉन्ग हुआ था तो कहां पे गए थे एल्स में तो फिर आप यहां पे नीचे क्या लिखते एल्स और देखो ध्यान से एल्स में भी एक ही लाइन है तो याद रखना जब इफ के बॉडी में या एल्स के बॉडी में जब एक एक लाइन ही होता है तो ब्रेस को लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है तो इफ के बॉडी में एक लाइन था तो हम इसका हट कट करके ऐसे भी लिख सकते हैं और एल्स में भी एक लाइन था इसका भी ब्रैकेट कट करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन दिस कि आप कभी अगर इफ के साथ ब्रैकेट मिसिंग पाए या एल्स के साथ ब्रैकेट मिसिंग पाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां उसके अंदर एक एक वाक्य ही रहा होगा मतलब आप सेम चीज ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट को उड़ा भी सकते हैं आप लेकिन कंडीशन क्या अपलाइड है इफ के शरीर में या एल्स के शरीर में जब एक एक लाइन हो तभी को हटाना अगर इफ के बॉडी में चार लाइन है अगर इफ के बॉडी में अकेले चार लाइन होता है पे तो इसका मतलब वो पूरा ग्रुप है उसको तब ब्रैकेट में देना जरूरी होता पर एक लाइन है तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी मतलब ये कोड को आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना If में या एल्स में अगर सिंगल स्टेटमेंट है देर इज नो नीड ऑफ यूजिंग दीज ब्रेसेस मन करे तो लगाइए नहीं मन करे तो हटाइए दोनों अलाउड होता है हाँ हाँ नहीं ग्रेट नहीं तो ग्रेटर देन जीरो अगर आप लिखेंगे तब तो वो ऑड नंबर हो जाएगा ना तो मैसेज बदलना होगा तो इवेंट नंबर आप लिखे ना तो आप हाँ ये चेंज करना होगा वैसे करके लेकिन मेन लॉजिक डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं हाँ क्योंकि रिमाइंडर टू से निकालोगे तो जीरो या वन ही तो आएगा और तो कुछ आएगा नहीं तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब भी वन ही हो गया वहां तो और रिमाइंडर तो वन के अलावा कुछ आएगा नहीं जीरो वन के अलावा ठीक है बट मेनली यही लॉजिक लिखा जाता है यहाँ पे तो देखिए हम लोग अभी बात किए कि सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है और बात किए कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इफ के अंदर याद है नंबर सी टॉपिक हम आपको एक बता चुके हैं उस टॉपिक का नाम क्या था उस टॉपिक का नाम था लैडर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट तो याद रखिए ये इफ स्टेटमेंट का तीसरा कैटेगरी है ये जो लैडर ऑफ एल्स इफ है ये इफ स्टेटमेंट का तीसरा कैटेगरी है जिसमें लैडर का मतलब क्या होता है सीढ़ी तो ladder of else if statement एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स को जोड़ के एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा तो जैसे क्या होता है आमतौर देखिए आम आमतौर पे क्या होता है जब आप एक सीढ़ी पे चढ़ाई करते हैं सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप्स लगे होते हैं ठीक है सपोज कीजिए आप सीढ़ी पे पहला कदम रखें और सीढ़ी के पहले कदम पे ही आपका मंजिल आ गया आपका छत आ गया सपोज कीजिए तो आप वहीं पे उतर जाते हैं तो सीढ़ी का जो बाकी स्टेप्स है 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 वो आपके लिए यूजलेस हो जाता, हो जाता जाता बेकार उस वक्त पर जरूरी नहीं कि आपके लिए फर्स्ट फ्लोर पे आपका काम हो गया तो बाकी लोगों का भी काम इसी फ्लोर पे होगा ऐसा नहीं है सपोज कीजिए किसी अपार्टमेंट में आप जाते हैं उसमें आपका काम फर्स्ट फ्लोर पे ही हो गया पर हो सकता है किसी स्टूडेंट का काम सेवेंथ फ्लोर पे होगा स्टार्ट तो फर्स्ट फ्लोर से ही करेगा तो जब वो पहला फ्लोर पे कदम रखा उसका मंजिल यहाँ नहीं मिला तो वो क्या करेगा सेकेंड फ्लोर की तरफ चढ़ाई करेगा उसका मंजिल सेकेंड फ्लोर पे भी नहीं मिला उस अपार्टमेंट में तो थर्ड फ्लोर की तरफ चढ़ाई करेगा थर्ड फ्लोर पे भी नहीं मिला तो चौथे फ्लोर की तरफ चढ़ाई करेगा मान लो यहां यहां मिल गया, तो यहां उतर जाएगा जाएगा तो उसके लिए ये बेकार हो जाएगा। इसका मतलब ये ये हुआ यह जो सीढ़ी है उसमें क्या देखते हैं आप कि आपको बार बार चेक करना होता है कब आपका कंडीशन सपोर्ट करेगा कब आपका काम थम जाएगा पर जरूरी नहीं कि आपका एक बार में काम यहां हो गया तो हमेशा काम यही होगा हो सकता है किसी बार आपको यहां तक जाना पड़े तो ऐसा सिचुएशन जो है प्रोग्रामिंग में उसी को लैडर लगा के सॉल्व करते हैं इफेल्स का इस्तेमाल करते हुए तो कैसे ये लैडर ऑफ इफ काम करता है पहले आप उसका डेफिनेशन समझिए देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं मल्टीपल ब्रांचिंग हमेशा याद रखिएगा अभी तक जो आप इफ पढ़े थे और uh, मतलब सिंपल इफ और इफेल्स जो पढ़े थे उसमें आपको याद होगा आपने कंडीशन को सिर्फ एक बार चेक किया है पर लैडर में क्या होता है कंडीशन का पूरा सिलसिलेवार तरीके से चेकिंग होता है तो दिस स्टेटमेंट इज यूज फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग वेयर वेयर मल्टीपल कंडीशन वेयर मल्टीपल कंडीशंस आर चेकड बैक टू बैक इसका मीनिंग समझ में आ रहा है बैक टू बैक and the condition, and the condition which satisfies first, and the condition which satisfies first, comma, its body gets executed. ठीक है अब दूसरे से देखिए। ladder of else if में क्या बोल रहा है कि this statement is used for multiple branching। मतलब ladder of if else क्या करता है? कि मल्टीपल ब्रांचिंग करने में मदद करता है मल्टीपल ब्रांचिंग क्या है तो वेयर मल्टीपल कंडीशंस आर चेक्ड बैक टू बैक यानी कि जहां पे बहुत सारा कंडीशन चेक होता है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक, के बारे, एक के बारे, बहुत सारा कंडीशन चेक होता है एंड द कंडीशन विच सैटिस्फाईज फर्स्ट और इस सिलसिले में जो कंडीशन सबसे पहले मैच करेगा इट्स बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड तो उसी का काम हो जाता है अब बाकी रिजेक्ट हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है यानी ब्रांच ब्रांच बहुत सारे होंगे लेकिन चुनेंगे आप आप किसी एक 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 को एट ए टाइम इसी अपार्टमेंट में आप एक बार में बार तो एक ही फ्लोर पे जा सकते हैं ना एक बार में या तो आप एक बार में फर्स्ट फ्लोर पे विचरण कर रहे होंगे नहीं तो एक बार में सेकंड फ्लोर पे क्या एक ही बार में किसी अपार्टमेंट में आप सातों फ्लोर पे घूम सकते हैं क्या इट इज नेवर पॉसिबल हो सकता है एक बार में एक फ्लोर पे गया तो दूसरी बार हो सकता है दूसरे फ्लोर पे गया एक बार में कोई एक ही चुन सकते हैं आप यही कहानी है लैडर का इसको और क्लियर समझने के लिए ऑफ कोर्स अब हम आपको इसका क्या बताने वाले हैं सिंटैक्स कैसे ये लैडर ऑफ एल्सिफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है अब आप इसका सिंटैक्स को समझिए देखिए सिंटैक्स क्या है इसमें सबसे पहले इफ लगा के आपको क्या चेकिंग करना होगा इफ लगा के आपको कंडीशन चेकिंग करना होगा तो इफ क्या किया इफ क्या किया कंडीशन को चेक किया कौन सा कंडीशन क्योंकि पहली दफा पहला कंडीशन आप चेक करेंगे तो कंडीशन नंबर वन को चेक किया तो ये इफ कंडीशन नंबर वन को चेक करेगा और अगर कंडीशन नंबर वन सही होगा तो आपको उठा के कहां फेंकेगा ब्लॉक वन में समझिए बात इफ क्या किया फर्स्ट कंडीशन चेक किया सही होने पे कहा फेंकेगा ब्लॉक नंबर वन में पर अगर ये गलत होगा तो कहां पे जाएगा एल्स में याद कीजिए अगर ये गलत हुआ था तो कहां पे गया था एल्स में अब एल्स में जाके क्या छत पे कूद गया था नहीं एल्स में जाके वो second condition चेक किया था, वो सही था तब छत पे कूदा था। यानी में में जाके जाके ध्यान देना, पहले आप यहां पर कंडीशन नंबर टू को बैठाना होगा कंडीशन नंबर टू बिठाना होगा हाँ ये अगर ट्रू होगा तो ब्लॉक नंबर टू काम करेगा अब दूसरा कंडीशन भी अगर धोखा दे गया तो अब इसके एल्स में जाना होगा आपको यानी इफ क्या किया फर्स्ट कंडीशन चेक किया सही था तो ब्लॉक वन में गए पर अगर ये गलत था तब आप एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके एक बार और इफ लगा के कंडीशन नंबर टू को चेक करेंगे अगर कंडीशन नंबर टू सही हो गया इतफाक से तो ब्लॉक नंबर टू का काम होगा और अगर ये गलत हो गया तो फिर एल्स में जाएंगे अच्छा इस एल्स में जाएंगे तो अब ये इफ किसको चेक करने लगेगा सोचिए अब आप ही ये कंडीशन नंबर 3 को चेक करने लगेगा अच्छा कंडीशन थ्री अगर सही होगा तो कौन सा पड़ाव पार करेगा ब्लॉक थ्री में चला जाएगा वो अच्छा ऐसे करते करते अभी तो हमको पता नहीं है कितने कंडीशंस हो सकते हैं इसी तरह करते करते फर्स्ट चेक हुआ गलत है तभी एल्स में जाना है तभी दूसरा कंडीशन चेक करना है और सेकेंड वाला सही है तो ब्लॉक टू में जाके काम खत्म कीजिएगा पर अगर ये गलत है तब उसके एल्स में जाएंगे और उसके थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे अच्छा थर्ड भी तो रॉन्ग हो सकता है तो फिर इसके बाद इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं अगर थर्ड भी रॉन्ग है तो इसके बाद फिर उसके एल्स में जाएंगे इस इफ इसल्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्या चेक होगा फोर्थ कंडीशन फिफ्थ कंडीशन सिक्स कंडीशन तो सो ऑन टू इसी तरह कोई तो आखिरी कंडीशन होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं टेस्ट कंडीशन कौन सा एन हमको आइडिया नहीं कि, कि कितने कंडीशन तक जाएगा किस क्वेश्चन में अभी तो अभी हम लोग उसको एनएथ मान लेते हैं एनएथ मतलब जो लास्ट गिवेन कंडीशन होगा हाँ ये अगर ट्रू होगा तो कौन सा पड़ाव पार करेगा ब्लॉक एन पर ऐसा भी तो हो सकता है जितना कंडीशन आपको दिया गया है सारे के सारे कंडीशन रोंग हो जाएं ऐसा हो सकता है तो उस केस में बचा खुचा लास्ट के एल्स में जाएगा और उसमें ब्लॉक नंबर एन प्लस वन काम करेगा ठीक है और अंत में अंत में हम देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं अंत में हम यहां लिख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर एक्स तो ये थोड़ा सा लेंदी है बट ध्यान से समझेंगे और एक प्रोग्राम कर लेंगे तो आपको डाउट खत्म हो जाएगा देखिए इफ आके पहली दफा फर्स्ट कंडीशन को चेक किया सपोज कीजिए कि आप सीढ़ी पे पहले स्टेप पे कदम रखे पता चला इतफाक से ये मैच कर गया तो आप सीढ़ी पे उतर जाते हैं अब बाकी हिस्सा रिजेक्ट कर देते हैं तो यहां देखिए अगर पहला कंडीशन सही है तो आप किस पड़ाव को पार कीजिएगा ब्लॉक वन को पार कीजिएगा सही है तो ब्लॉक वन का पड़ाव पार कीजिएगा और आपको ध्यान होगा कि एल्स में तांक झांक नहीं करते हैं अगर कंडीशन सही होता है तो अब गौर से देखिए क्योंकि पहला कंडीशन सही हो गया ब्लॉक वन काम कर गया एल्स में तांग नहीं करेंगे तो ये पूरा चेन टूट जाएगा और आप सीधे उड़ के आप डायरेक्ट कहां जाएंगे स्टेटमेंट एक्स पे ये सेट एक्चुअली में यहां पर है तो क्या हुआ ये जो आपका इफ है ये काम कर गया पहली बार ये वर्क कर गया सही था उसके बाद आप निकल के सीधे कहाँ गए स्टेटमेंट पे क्योंकि एलसीफ 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 सिफ कड़ी में तब जाते अगर ये रॉन्ग होता यानी आप सीढ़ी के बाकी स्टेप पे तब जाते जब पहला स्टेप ही रॉन्ग होता तो पहला राइट right हो गया तो काम तमाम कीजिए ना ऊपर क्यों तांग करेंगे फिर तो आप वही सिचुएशन यहां पर तो अब देखो क्या हुआ सर सर अगर पहला रॉन्ग हो जाएगा तब क्या होगा पहला कंडीशन रॉन्ग होगा तो देखिए अगर पहला कंडीशन रॉन्ग हो गया फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया तब आप कहाँ जाएंगे एल्स में जाएंगे यानी पहले स्टेप में मंजिल नहीं मिला तब आप पे करेंगे। पे चढ़ाई चढ़ाई करेंगे, करके फिर चेक करेंगे कि क्या यहां मेरा मंजिल है? देखो एल्स में जब गए, तो एल्स में जाके फैसला नहीं सुना रहे हैं, हैं कंडीशन टू के लिए, रिलेटेड अब अगर टू सही होता है तो ब्लॉक नंबर टू काम कर जाएगा मतलब ये अगर सही होता है तो इस छत पे उतर जाएंगे लेकिन फिर उसके ऊपर का सीढ़ी बेकार हो जाएगा यानी ये अगर सही हो गया तो ब्लॉक 2 काम करेगा और यहां से उड़ के फिर सीधे स्टेटमेंट टैक्स पे जाएंगे उसके नीचे का जो एल सी एल सी पे वो वर्क नहीं करेगा पर पहला भी गलत दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत चौथा भी गलत पांचवा भी गलत मान लो लास्ट तक पहुंच गए उसी तरह से पहला भी गलत तो सेकंड चेक किए सेकंड भी गलत तो एल्स में जाके थर्ड को चेक किए सपोज करो थर्ड भी गलत तो उसके एल्स में जाके फोर्थ को चेक किए वो भी गलत तो उसके में जाके फिफ्थ को चेक किए तो ऐसे करके अगर कर सब गलत हो रहा है तो बचा खुचा लास्ट के एलसीफ में जाएगा कंडीशन नंबर एथ में वो भी गलत होने पे बिल्कुल एल्स में जाएगा ब्लॉक नंबर एन प्लस वन काम करेगा यानी हर कंडीशन के लिए एक बॉडी सुनिश्चित किया हुआ है देखो हर कंडीशन का अपना एक बॉडी है यहां तक कि लास्ट कंडीशन जो एन कंडीशन है उसका भी एक बॉडी है अगर सारे गलत हो जाएंगे तो एनथ कंडीशन का भी बॉडी रॉन्ग हो जाएगा तो आपको बचा खुचा एल्स में फेंकेगा क्योंकि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है तो ब्लॉक नंबर काम करेगा और अल्टीमेटली आप कहां चले जाएंगे स्टेटमेंट नंबर X के पास ही जाएंगे प्रोग्राम करने से पता चल जाएगा ये कैसे लिखा जाता है ये तो सिंटैक्स है थोड़ा भी समझ गए इसमें तो बहुत है अभी के लिए तो अब हम इसको फ्लो चार्ट यानी कि अब हम इसका आपको डायग्राम एक बार जल्दी से बना के दिखाते हैं फिर इसका एक प्रोग्राम लेंगे हम अब इसका फ्लो चार्ट देखो कैसे ये वर्क करेगा फ्लो चार्ट याद है ना डायग्रामेटिकली जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखिए सबसे पहले ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं मतलब कुछ काम करके आप नीचे आ रहे हैं सबसे पहले कौन सा कंडीशन चेक हुआ था याद कीजिए सबसे पहले कंडीशन नंबर वन को आपने चेक किया सोच सोच के देखिएगा डायग्राम अगर पहला कंडीशन आपने चेक किया और अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू है तो आप किस पड़ाव को पार करेंगे बोलिए फर्स्ट कंडीशन आपने चेक किया फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो किस पड़ाव को आप पार करेंगे बोलिए तो आप पार करेंगे ब्लॉक ब्लॉक नंबर नंबर को अब से निकलने के बाद में कहां पे घुस जाएंगे इस कॉमन एरिया में जिस कॉमन एरिया का नाम पहचान हम लोग क्या रखे हुए हैं स्टेटमेंट एक्स अब फिर आप आगे बढ़ जाएंगे अपने प्रोग्राम में ठीक है अब यहाँ रास्ता को ज्वाइन करना है इसलिए हम थोड़ा सा गैप रखें यहाँ कुछ और भी आने वाला है फिर से सुनिए फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ अगर ये ट्रू होगा तो किस पड़ाव को पार करेंगे ब्लॉक वन में और निकल के कहा चले जाएंगे स्टेटमेंट टैक्स बाकी चीज धरा का धरा रह जाएगा देखेंगे भी नहीं पहला सही होगा तब ऐसा होगा अच्छा सर पहला कंडीशन रॉन्ग होगा तो क्या हो जाएगा याद कीजिए थ्योरी अगर पहला कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो ऑफकोर्स आप फॉल्स पार्ट में जाएंगे ये देखिए पहला कंडीशन रॉन्ग होगा तो कहां जाएंगे आप फॉल्स पार्ट में अच्छा आपसे क्वेश्चन है फॉल्स पार्ट में जाके क्या सीधे आप ब्लॉक टू में कूद गए थे क्या फॉल्स पार्ट में जाते के साथ क्या ब्लॉक टू में कूदे थे आप नहीं फॉल्स पार्ट में जाते के साथ आपको फिर से कंडीशन चेक करना पड़ा था यानी कि देखो अगर मेरा पहला कंडीशन गलत है तो हम फॉल्स पार्ट में जाएंगे तो फॉल्स में पार्ट में जाके हम सीधे यहाँ ब्लॉक टू नहीं लिख सकते हैं आज फॉल्स पार्ट में जाके पता अब हमको फिर से एक कंडीशन लगाना पड़ेगा फॉल्स हुआ तो हम फिर से कंडीशन लगाएंगे तो इस बार क्या कंडीशन लगाएंगे टेस्ट कंडीशन टू वाला कंडीशन लगाएंगे हाँ ये सेकेंड कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कौन सा पड़ाव पार करेगा बोलिए ये अगर ट्रू होगा तो पड़ाव पार करेगा ब्लॉक नंबर टू और फिर आप नीचे जाएंगे और उस कनेक्टर से होते हुए कनेक्टर से होते हुए फिर आगे निकल जाएंगे और अगर ये भी रॉन्ग हो गया तो किसको चेक करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा करते करते अब हम आपको सीधे लास्ट कंडीशन पे ले चलते हैं देखिए इस कंडीशन को थ्योरी में हम लोग क्या नंबर दे रहे हैं टेस्ट कंडीशन एन ये कंडीशन अब अगर ट्रू होता है तो कौन सा पड़ाव पार करेगा आप ही बताइए ब्लॉक नंबर एन ठीक है और ये अगर धोखा देता है गलत होता है तो कौन सा पड़ाव पार करेगा ब्लॉक नंबर एन प्लस वन पर जाना तो अंत में आपको उसी जगह पे पड़ता है इसी स्टेटमेंट एक्स के पास तो इस फ्लो चार्ट को गौर से देख लीजिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्या किए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या किए फर्स्ट कंडीशन को चेक किए फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्लॉक वन का पड़ाव पार किए और आप इस कनेक्टर से होते हुए स्टेटमेंट एक्स पे चले गए बाकी मत देखिए एरो को फॉलो कीजिए यह गलत है तो कहां पे गए फॉल्स पार्ट में सेकेंड कंडीशन को आपने चेक किया अब सेकेंड कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इस रास्ते में गए

और अगर आखिरी वाला भी धोखा दे गया तो बचा खुचा ब्लॉक नंबर एन प्लस वन काम करेगा यानी एन कंडीशन तक का एन ब्रांच था अब वो भी धोखा दे गया तो एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया, एन प्लस वन जो बचा खुचा काम मैनेज करेगा और अंत में कहां पहुंच जाओगे स्टेटमेंट टेक्स पे। तो ये इसका फ्लो चार्ट था किसका लैडर का फ्लो चार्ट था तो इसका प्रोग्राम एक बार हम अभी कराएंगे आपको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज तो पहले आप इस बार इस बार एक इजी सा क्वेश्चन देखिए मेरा क्वेश्चन है

डिवीजन ऑपटेड उसको कौन सा डिवीजन आया आपको यह भी बताना है वहां यानी तीन सब्जेक्ट का मार्क्स डालिए उसका टोटल और एवरेज छापिए और अगर आपका एवरेज साठ या उससे ज्यादा है तो कह दीजिए फर्स्ट डिवीजन पैंतालीस और साठ के बीच में है तो कह दीजिए सेकेंड डिवीजन तैतीस और पैंतालीस के बीच में है तो कह दीजिए थर्ड डिवीजन और अगर तैतीस से भी कम है तो बोल दीजिए फेल ठीक है यानी आपको डिवीजन निकालना है एवरेज मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्टली पास फेल नहीं चेक करना है सिंपल है एवरेज के हिसाब से चेक करेंगे उसको डिविजन क्या आया कोड देखिएगा तो पता चलेगा बहुत ईजी प्रोग्राम है ये देखिए हम यहाँ हैश इंक्लूड क्या लगा रहे हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच फिर देखो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच फिर जिंदगी कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वॉयमेन फंक्शन से अच्छा कितने सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है क्वेश्चन में लिखा है कितने सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है तीन तो चलो हम इंटीजर टाइप का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन तो घर बना दिए और एक घर बना दिए क्या रखने के लिए टोटल मार्क्स क्योंकि क्वेश्चन में था टोटल भी निकालना है और एवरेज मार्क्स फ्रैक्शन आएगा तो हम उसको फ्लोट टाइप का ले लेते हैं फ्लोट एवरेज एवीजी ले लिए एवीजी फॉर एवरेज फ्लोट क्यों क्योंकि फ्रैक्शन आ सकता है एवरेज स्क्रीन साफ करने के लिए क्या लगा दोगे क्लियर स्क्रीन यूजर से कैसे मांगेंगे मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट सी आउट करके क्या लिखेंगे एंटर मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट्स तो थ्री सब्जेक्ट्स हम अपने मन से पीसीएम नाम चुन लिए हैं पढ़ेगा कौन सी इन पी में सी में एम में स्टोर कर देगा अब आपको क्या निकालना है टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स में क्या करेंगे तीनों मार्क्स को जोड़ देंगे सोच के देखते जाइए बहुत ईजी है और एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे तो एवरेज मार्क्स निकालेंगे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 3.0 फ्रैक्शन लाने के लिए 3.0 नहीं तो रूल याद है ना इंट 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 हो जाता इसीलिए इंट फ्लोट फ्लोट कर दें इसीलिए थ्री पॉइंट जीरो आपको याद है डिस्प्ले भी करने बोला है डिस्प्ले द टोटल एंड एवरेज टोटल निकल गया एवरेज निकल गया डिस्प्ले कर दीजिए तो सी आउट में क्या करेंगे आप बोलिए आप लिखेंगे सी आउट में मार्क्स टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल और एवरेज कैसे डिस्प्ले करेंगे आप सी आउट आपको याद है लाइन चेंज कैसे करते थे बैक्सलेस एन यहाँ पे आप क्या लिखोगे एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू avg जी यहां तक का काम हो गया अब आपको बताना है उसको डिवीजन कौन सा आया हम कोड लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे एक साथ इसके आगे का कोड अब हम इधर लिख रहे हैं देखिए अब हम कंडीशन में यहां पे क्या लिख रहे हैं इफ कोड हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं इफ सुनिए अगर एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू साठ आता है तो सी आउट आपको क्या कह देगा फर्स्ट डिवीजन शॉर्ट में लिख रहे हैं मैसेज रॉन्ग होगा तो कहाँ जाओगे एल्स में अब एल्स में आके इफ क्या चेक करेगा एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्टी फाइव ये अगर ट्रू होगा तो सी आउट आपको क्या बोलेगा सेकेंड डिविजन ये रॉन्ग होगा तो फिर एल्स इफ़ में क्या लिखेगा आप समझ गए एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टी थ्री ये अगर ट्रू होगा तो बताओ क्या लिखेगा थर्ड डिवीजन और अगर यह भी रॉन्ग हो गया तो आपको एल्स में फेंकेगा और अब ये सी आउट क्या बोल देगा फेल यहाँ पे हम लगा रहे हैं गेट सी एच यहाँ पे मेन इज ओवर लाइफ इज ओवर ठीक है प्रोग्राम हम समझाते हैं आपको देखिए सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ इंटीजर टाइप का कौन कौन सा ब्लॉक्स बन गया देखिए इंटीजर टाइप का कौन कौन सा ब्लॉक्स बन गया इंटीजर टाइप का कौन कौन सा ब्लॉक बन गया देखो एक ब्लॉक पी नाम का एक ब्लॉक सी नाम का एक ब्लॉक एम नाम का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एक ब्लॉक किस नाम का टोटल नाम का ठीक है एक घर किस नाम का बन गया एवरेज ये फ्लोट टाइप का है सुनो ये मेरा मॉनिटर है सी आउट क्या कर रहा है बताओ क्लियर स्क्रीन क्या कर रहा हो बताओ स्क्रीन साफ कर देगा अब ये सीआउट आपसे क्या पूछ रहा है मैसेज में एंटर मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट्स ये समझ में आया ये आपसे तीन सब्जेक्ट का मार्क्स मांगा हम एक में दे दिए नाइनटी नाइन एक में दे दिए नाइनटी एट और एक में दे दिए हंड्रेड इन तीनों को हम कहां से दबा दिए कीबोर्ड से पढ़ा कौन सी इन तो ये सीन क्या किया 99 को किस में डाला फिजिक्स में ये सी इन क्या और 100 को किस में इनपुट किया मैथ्स में ये देखो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना कितना टोटल मार्क्स कितना हो गया पी प्लस सी प्लस एम तीनों को जोड़िए तो कितना हो गया दो सॉरी टोटल मार्क्स कितना हो गया दो हो गया इजी एवरेज कितना हो गया दो सौ संतानवे को 3.0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 99.0 किसी और वैल्यू में पॉइंट भी आ सकता था इसमें 99.0 आया कैलकुलेट कीजिएगा ना बहुत इजी है अब गौर से देखिए सी आउट क्या छापेगा टोटल मार्क्स इक्वल्स यानी आपके मॉनिटर पे क्या छापा आउट टोटल मार्क्स इक्वल्स किसका वैल्यू प्रिंट कर रहा है टोटल का आपको याद है मेरे टोटल का वैल्यू कितना आ चुका है 297 चलो अगले सी आउट में आपने क्या लिखा स्लैश स्लेशन लाइन चेंज करेंगे मॉनिटर पे और क्या प्रिंट करेंगे एवरेज मार्क्स इक्वल्स एवीजी देखो लाइन चेंज हो गया और अब यहां पे क्या लिखेगा एवरेज मार्क्स इक्वल्स एवीजी अब ये बताओ एवीजी का वैल्यू कितना आया है नाइन्टी आया है छपने समय सिर्फ नाइन्टी दिखेगा लिखेगा पॉइंट नहीं छपता है लेकिन मेमोरी में वो 99.0 था इतना प्रिंट हो गया तो देखो क्वेश्चन था कि तीन मार्क्स पढ़ना है डिस्प्ले करना है टोटल एवरेज वो आपने कर लिया अब आप चेक कर लीजिए बोलिए के साथ क्या चेक करेंगे एवरेज तो एवरेज कितना आया है मेरा अब आप ही बताइए क्या साठ या उससे ज्यादा है यस पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो आपको यहां ले जाएगा जब यहां ले जाएगा तो सी आउट क्या छाप देगा फर्स्ट डिवीजन तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन समझ में आया बात अब ध्यान से देखिए एल सिल सिल सब कोई काम नहीं करेगा क्योंकि जब वो फर्स्ट डिवीजन हो चुका है तो सीधे उड़ के कहा जाओगे स्टेटमेंट टैक्स पे गेट सी एच करना मेन इज ओवर लाइफ इज ओवर हो जाएगा इस केस के लिए हम बोले लेकिन सोचिए अगर आपसे फिर पूछा जाता है अगर आपसे फिर पूछा जाता है एंटर मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट और आप मार्क्स ऐसे देते हैं देखिए बीस दिए दस दिए पंद्रह दिए सौ में इतना इतना लाया इतना कम कम लाया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना गया फिजिक्स में गया बीस केमिस्ट्री में गया दस अब मैथ्स में कितना गया पंद्रह अब आप ही सोचिए टोटल मार्क्स जब निकालेंगे आप यहाँ आप ही सोचिए टोटल मार्क्स हम निकालेंगे तो कितना हो गया आप बीस तीस बीस दस तीस तीस और पंद्रह कितना पैंतालीस हो गया तीन सब्जेक्ट का मार्क्स सोचिए इतना कम तो एवरेज कितना हो जाएगा पैंतालीस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा थ्री तो हो जाएगा फिफ्टीन पॉइंट जीरो एवरेज मार्क कितना हो जाएगा 15.0, 15.0 45 डिवाइडेड बाय 3 करने से। अब आप सोच के देखिए, क्या, क्या ग्रेटर तो देन और इक्वल टू 60? फिफ्टीन पॉइंट जीरो नहीं होता तो सेकंड बता देता पर यह भी जाइए क्या फिफ्टीन पॉइंट जीरो भी रॉन्ग तो बचा कुछा एल्स में जाएगा और सी आउट क्या कह देगा फेल सब गलत तो एल्स में चला गया तो फिर से टाइम अब ओवर हो रहा है कल कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ और ये बहुत इजी था आप इसमें देखिए एक एक करके कंडीशन चेक हुआ जो पहले मैच करेगा पहले उसी का बॉडी सेलेक्ट होगा सब रॉन्ग होगा तो एल्स में फेंक देगा लास्ट का सिंपल था ये